बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहसिन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सरफेस इन द फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स। एंड टुडे टॉपिक फ्रॉम दिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस इज़ द कर्व्ड सरफेस सबमर्ज इन लिक्विड। सो कंसीडर अ कर्व्ड सरफेस ए बी एज शोन इन द फिगर, submerged in a static fluid as shown in the figure. Let D is the area of a small strip at a depth of h from the water surface. This black portion, the small strip, is the considered small area and its depth from the free surface is h. Then the pressure intensity on the surface in the area D is equal to rho g h. And the force, pressure force exerted on this small strip or the small element of the curved surface is the df is equal to p pressure into area, and the pressure is the rho gh and area is, as we consider, is the dA. This force df acts normal to the surface. Hence the total pressure force is on the curved surface should be f is equal to rho gh dA. शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच डी ए, क्योंकि अगर हम इस सारे जो पोर्शन है इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके ऊपर इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर जो कि कर्व सरफेस के ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इशू सिर्फ ये है कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन है ऑन स्मॉल एरिया के ऊपर वो सेम नहीं होंगी इन ऑल डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन में, और ये वेरीज होंगी पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हम पॉइंट अगला पॉइंट लेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, तो इनकी डायरेक्शन जो है ना चेंज होती जाएगी। तो इसके लिए हिंस इंटीग्रेशन जो है इसकी कर्व सरफेस की वो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, द प्रॉब्लम कैन हाउएवर बी सॉल्व बाय रिजॉल्विंग द फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट, यानी डी एफ और डी वाई की डायरेक्शन में, एक्स और वाई की डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स एक्स और वाई की डायरेक्शन में होगी वो एफ एक्स और एफ वाई होगी, जो कि ऑब्टेन करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग डी एफ एंड डी वाई। तो जो टोटल फोर्स हमारे पास जो हो जाएगी वो होगी एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर एंड अंडर स्क्वायर रूट। ये एफ एक्स एंड एफ वाई क्या है, जो इंटीग्रेशन की थी हमने डी एफ और डी वाई के ऊपर। और इसकी जो डायरेक्शन है उस वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई और एफ एक्स, और वी नो दैट थीटा और फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी फोर्सेज। अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को इन द गिवन इक्वेशन में जो है डी एफ एक्स को। अगर हम देखें डी एफ एक्स और डी वाई को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, ये डी एफ एक्स और डी वाई, ये जो थीटा है वो इंक्लिनेशन एंगल है जब हमने टेंजेंट ड्रा किया इस पॉइंट के ऊपर, वो थीटा है जो कि बेसमेंट के साथ वो कर्व्ड सरफेस बना रही है। सो हमारे पास डी एफ एक्स जो आ जाएगा वो होगा डी एफ साइन थीटा इज इक्वल टू रो जी डी एस साइन थीटा, और डी एफ वाई है वो हमारे पास आ जाएगा डी एफ कॉस थीटा रो जी एच डी ए कॉस थीटा। टोटल फोर्स हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, वो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस डी एफ एक्स को वो हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच डी ए साइन थीटा, जैसा कि रो जी इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए साइन थीटा। और एफ वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वाई, जो कि इक्वल हो जाएगा रो जी डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी या इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थीटा। अगर हम उस स्मॉल एलिमेंट को इनलार्ज करें जैसा कि साइड पे दिखाया गया, यहाँ पे कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, तो डी ए को रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा अगेंस्ट थीटा, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है नॉर्मल कंपोनेंट वो है डी ए साइन थीटा। सो द फिगर शो द इनलार्ज एरिया डी ए फ्रॉम दिस फिगर। अगर हम उस ट्राइंगल को ई एफ जी को कंसिडर करें, ई एफ इज इक्वल टू डी ए, एफ जी इज इक्वल टू डी ए साइन थीटा एंड ई जी इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। दस फ्रॉम द इक्वेशन अगर हम 3.15 में देखें, डी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एफ जी एंड दिस इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया डी ए, एंड हेंस द एक्सप्रेशन ऑफ रो जी एच डी ए साइन थीटा रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन। सिमिलरली जो एफ एक्स है टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑन अ वर्टिकल प्लेन के ऊपर है।
अगर हम आ जाएं डी ए कॉस थीटा जो कि ई जी के इक्वल है, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द डी ए जो कि स्ट्रिप की फॉर्म में लाइक बनेगा ऐसे, जैसे स्टेयर टाइप जो उसका कंपोनेंट बनेगा। प्रोजेक्शन ऑफ डी ए एंड हिम्स डी एच डी ए कॉस थीटा एज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेन इन द एलिमेंट्री एरिया डी ए अप टू द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड। ये जो हमारा स्ट्रिप हमने ली है इसका जो हम नॉर्मल लेंगे, इसके अंदर जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो नॉर्मल इसके ऊपर एक्ट कर रहेगा, या वो वेट ऑफ द लिक्विड है जो कि वो कैरी कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेन इन द एलिमेंट्री एरिया डी ए अप टू द फ्री सर्फेस, दस एच डी ए कॉस थीटा इज द टोटल वॉल्यूम कंटेन बिटवीन द कर्व सर्फेस एक्सटेंडेड अप टू द फ्री सर्फेस, हैंस रो जी इज इक्वल टू एच डी ए कॉस थीटा इज द टोटल वेट सपोर्टेड बाय द कर्व सर्फेस। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वेट हो जाएगा इन केस उस स्मॉल एलिमेंट का, रो जी एच डी ए जो स्मॉल डी ए था वो क्या था हमारा उस एलिमेंट के ऊपर जो उसका वेट ऑफ द लिक्विड है। और अगर हम इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एफ वाई इज इक्वल रो जी एच डी ए कॉस थीटा, और ये क्या है वेट ऑफ द लिक्विड रो जी जो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम सपोर्टेड बाय द कर्व सर्फेस अप टू द फ्री सर्फेस होगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि एग्जांपल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी या न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है जब हम सॉल्व करेंगे उसमें फर्दर इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन होगी कि जो एरिया है जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे जो है ना उसकी कंसिडरेशन होती है, उस एक सिंपल स्टेप्स हैं और वो क्लियर होंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू यूनिवर्सिटी एलएमएस सिस्टम और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्मेटेड फॉर दिस ग्रुप।